नमस्कार दोस्तों, आज मैं संकिता माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसी पूजा में मैंने दो कहानी सुनाई थी, तो एक कहानी वाला वीडियो मैंने डाल दी हूँ, शायद आप लोग देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे पहले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो उसमें मैंने सुनाई हूँ पति और बेटे की बहुत अच्छी रोचक कहानी, और इस कहानी में मैं बता रही हूँ सास बहू की कहानी। तो आगे सुनिए सास बहू की कहानी। तो पुराने ज़माने में क्या होता था दोस्तों, कि हर घर में दूध बहुत ज़्यादा होता था और दूध बेचकर ही कुछ लोगों का घर चलता था। दूध बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। एक गांव में ही उनका कंप्लीट नहीं होता था, दूसरे गांव में बेच कर आते थे, तब उस पैसे से वो अपने घर का खर्च चलाते थे। तो कहानी सुनिए, एक घर में सास बहू थी, तो वहाँ पर उनके घर पे भी बहुत ज़्यादा दूध होता था, और सास बहू सियानी हो गई थी और उनसे काम ज़्यादा हो नहीं पा रहा था, और बहू लाए हैं तो बहू काम करेगी। इस तरह से बहू का रोल क्या है, घर का काम करना और दूध बेचना। तो बहू ने बोला कि मैं दिन भर काम करती रहती हूँ और मेरी सास रोटियाँ तोड़ती रहती हैं। तो सास को बोली बहू कि सासू माँ, आप दूसरे गांव में दूध बेचकर आओ और मैं घर का काम करती हूँ। और उसको खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगी कि आप जब तक दूध बेचकर नहीं आओगी तो मैं खाना भी नहीं दूंगी। इस प्रकार से उसके सामने, सास के सामने शर्त रख दी। तो अब सास मजबूर हो गई कि अब बहू मेरे को बहुत ज़्यादा मजबूर करने लगी, अब मैं जाती हूँ। डिब्बा में दूध ली उसने और चली गई। अब रास्ते में एक पीपल का पेड़ दिखता है, तो वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, रोने लगी कि मैं पूरे गांव में कहाँ घूमूंगी, मेरे हाथ पैर में भी दर्द होते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, तो मैं ऐसे कैसे घूम सकती हूँ, मेरे को बिल्कुल भी जी नहीं चल रहा है। तो वो क्या सोची और पीपल महाराज करके वहीं पर पूरे दूध को पीपल में चढ़ा दी, और इसी तरह से वो डेली डेली जाती और पीपल के झाड़ में दूध को चढ़ा के आ जाती थी। अब लास्ट दिन था, फिर जाके पीपल के पास बैठ गई उसने और वहाँ पर रोने लगी, कहाँ से पैसे दूँ, मैंने तो दूध पीपल में डाल दी, इस तरह से। तो वहाँ से एक गुड़ चने से सनी हुई संकटा माता वहाँ से गुजरती हैं, बिल्कुल बुढ़ी का रूप लिए हुए। तो और उनके पास, वो माता जी के पास जाके बोलती हैं, बुढ़ी माता के पास, कि क्यों रो रही हो माता जी। तो वो बोली, मेरी बहू मेरे को बहुत तकलीफ़ देती है, खाना पीना नहीं देती है और दूध बेचने के लिए बेचती है, और बोली है कि दूध बेचकर पैसे लाना, आज मेरा आखिरी दिन है, मैं कहाँ से पैसे दूँ उनको, इसलिए मैं घर जाने के लिए भी नहीं यहाँ से तैयार हो पा रही हूँ, तो मैं कैसे करूँ। तो इस प्रकार से वो अपनी पूरी कहानी बताती हैं। तो वहाँ पर संकिता माता जो बुढ़ी का रूप लेकर वो भी गई थी वहाँ पर, तो वो बोलती हैं, ठीक है एक काम करो, ये पीपल के जितने पत्ते पड़े हैं तुम पूरे पत्ते को उठा लो और अपने ओली में रख लो और घर चले जाओ, और ये ओली से अपनी बहू को, बहू की ओली में पूरे पीपल के पत्ते को डाल देना। तो बुढ़ी पूछती है, तो उससे क्या होगा। तो संकिता माता कहती हैं कि ये तुम्हारी समस्या का हल पूरा हो जाएगा, तुम जाओ पीपल के पत्ते लेकर के। वो पूरे पीपल के पत्ते को समेट लेती है और चली जाती है। जैसे ही बहू देखती है कि सासू माँ आ रही हैं और कुछ ओली में लेकर आ रही हैं बहुत सारा, तो उन्होंने सोचा कि बहुत सारा पैसे लेकर आई हैं। तो फिर इसके बाद में वो पीपल के पत्ते को बहू को बोली कि बहू आप अपनी ओली को मेरे सामने खोलो, मैं तुमको कुछ दे रही हूँ। तो जैसे ही वो पीपल पत्ते को डालती हैं तो उसमें गहना जेवर और पैसे धेले बहुत सारे उसमें से निकले। बहू बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो बहू से पूछती है
कि बहू अब तो खुश हो गई ना, सासू माँ पूछती है। तो बहू कहती है, हाँ सासू माँ मैं बहुत खुश हो गई, आपको इतना पैसे धेले पैसे एक महीने के दूध में कहाँ से मिल गया। तो फिर बहू अपनी कहानी को बता देती है। वैसे अपनी कहानी को किसी को नहीं बताना चाहिए, पर बहू को वो अपनी कहानी बता देती है क्योंकि वो जिद करती है पूछने के लिए। तो बहू कहती ठीक है मैं भी जाती हूँ दूध लेकर। तो बहू ने भी उसी प्रकार से जैसे सासू माँ को डिब्बा लेकर भेजती थी, उसी प्रकार से वो भी डिब्बा ली और डेली डेली जा कर के पीपल के पेड़ में डाल देती है। और जब लास्ट दिन आया तो वह पूरे दूध को डाल दी और बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। पहले हंसी और फिर इसके बाद रोने लगी। कहती है कि मेरा तो सब कुछ लूट गया, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मेरी सासू माँ मेरे को बहुत परेशान करती है, मेरे को खाना नहीं देती है। इस प्रकार से वह रोने लगी। फिर गुड़ चने से सने हुए संकटा माता वहाँ पर आती है, बोलती है बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो संकटा माता तो जानती थी कि ये उसी की बहू है। तो फिर संकटा माता बोली सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है, पहले से बोलने लगी कि माता जी मैं पीपल के पत्ते को ओली में लेकर चली जाऊं घर पे। तो माता कहती ठीक है चले जाओ। तो ओली में पत्ते को ले जाना और सास की ओली में नहीं डालना है, आंगन में डाल देना है। तो वो क्या करती है, पूरे पत्ते को आंगन में डाल देती है। जैसे पत्ते आंगन में पड़ते हैं वैसे वहाँ से बिच्छू ततैया कीड़ा वगैरह ये सब वहाँ चलने लगते हैं और उसी की तरफ आने लगते हैं। तो फिर वह घबरा कर संकटा माता करके वो फिर रोने लगती है। फिर वहाँ संकटा माता आती हैं और बोलती हैं कि तुमने अपनी सास को बहुत परेशान किया है, उसी का ये बदला है, और तुम अब सास बहू मिलकर रहो और सुहाग लेकर आओ, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। इस प्रकार से वो अपनी पूजा कराती है और सभी कुछ ठीक हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना फालतू की लालच नहीं करना चाहिए और सच्ची भावना से ही पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी साझा करें, छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दें, और मैं इसी तरह से वीडियो डालूंगी ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और अब सभी सुहाग लें, अपना सुहाग ले लें और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। बोलो संकटा माता की। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।